रामकथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वावधान में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक होने वाली रामलीला के लिए भूमि पूजन आचार्य पंडित विनीत शर्मा ने भूमि की शुद्धि हवन पूजन एवं ध्वजारोहण श्री रामलीला मैदान में किया गया, जिससे होने वाले कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा न आए। यज्ञ में मुख्य यजमान अतुल अग्रवाल, अपनी पत्नी अर्चना अग्रवाल, राजेश त्रिपाठी, अपनी पत्नी सीमा त्रिपाठी के साथ रहे। कार्यक्रम में श्री रामकथा मंचन समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, विनोद सक्सेना, श्याम कृष्ण रस्तोगी, मुकुल बंसल, नितिन अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, राम कुमार गुप्ता, पारस सैनी, मनोज व्यास, विवेक शर्मा पार्षद, ठाकुर नरेंद्र सिंह, गोविंद राम गुप्ता, राजेंद्र खन्ना, अरविंद सिंघल, के गुप्ता सहित अनेकों समिति के सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही श्री रामकथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा पत्रकार वार्ता श्री रामकथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल एवं विनोद सक्सेना ने संयुक्त रूप से बताया। रामलीला का उद्घाटन मुरादाबाद के मंडल आयोग एवं महानगर के महापौर द्वारा किया जाएगा, जिसमें रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का पूजन एवं गणेश वंदना के साथ नारद मोह की लीला की जाएगी। पत्रकार वार्ता में मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र खन्ना, राम कुमार गुप्ता, मनोज व्यास, राजेश त्रिपाठी, अतुल अग्रवाल, जगदीश प्रसाद, ठाकुर नरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। लाजपत नगर की ओर से आज सबका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर जो वर्ष 2024 की जो रामलीला मंचन किया जाएगा उसका हमने आज भूमि पूजन किया है सभी लोगों ने मिलकर के, और आज के हमारे मुख्य यजमान श्री त्रिपाठी जी, राजेश त्रिपाठी जी रहे हैं। हमारी जो रामलीला है ये जो 30 सितंबर से शुरू होगी, यहाँ पर गणेश वंदना होगी, और जो हमारी जो इस वर्ष की रामलीला है बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर ढंग से स्वामी हीरालाल शर्मा जी वृंदावन के द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा जो कलाकार हैं वो पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं और बड़ी बड़ी जगह उन्होंने रामलीला की हैं। 30 तारीख से हमारा गणेश पूजा शुरू होकर के और 5 तारीख को राम बारात का होगा और 10 तारीख को हनुमान जी की 200 फीट की उड़ान होगी। इसके पश्चात रावण का वध जो है और जो है रावण दहन है वो 12 अक्टूबर को होगा।